शाहरुख खान की वजह से क्यों स्ट्रेस आउट हुए महेश भट्ट? सिकंदर की सेट से नई अपडेट्स हुई रिलीज। क्या राजामौली ने किया कल की 2898 एडी में कैमियो? हेलो गाइस, मैं हूँ आपकी होस्ट विंध्या और ये रही आज की बॉलीवुड काउंटडाउन। सरफिरा का दूसरा गाना हुआ रिलीज। अक्षय और राधिका स्टारर सरफिरा का दूसरा गाना खुदाया आज फाइनली रिलीज हुआ है। ये गाना अक्षय और राधिका की कहानी पर फोकस करता है और हमें पहली बार इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देखने को मिलती है। बेबी जॉन की नई पोस्टर हुई रिलीज। कल रिलीज डेट अनाउंस करने के बाद आज वरुण धवन ने बेबी जॉन से अपनी एक नई पोस्टर रिलीज की। पोस्टर में वो एक डेडली लुक में नजर आ रहे हैं। इस फिल्म की सेट पर रो पड़े रणवीर सिंह। गुलशन देवैया ने आज सिट कनन के यूट्यूब इंटरव्यू में रिवील किया कि रणवीर सिंह रामलीला की फिल्मिंग के दौरान अपने कैरेक्टर में इस तरह इन्वॉल्व हो चुके थे कि वो हमेशा इमोशनल सीन्स के बाद बैठकर असल में रोते थे। बैड न्यूज की नई पोस्टर हुई रिलीज। विकी कौशल, एमी विर्क एंड तृप्ति दुमरी स्टारर बैड न्यूज की नई पोस्टर आज रिलीज करते हुए करण जौहर ने अनाउंस किया कि फिल्म का ट्रेलर कल रिलीज होने वाला है। करण ने इसके कैप्शन में लिखा, ये वन इन अ मिलियन नहीं, वन इन अ बिलियन है। सोनाक्षी जहीर की वेडिंग वीडियो हुई रिलीज। सोनाक्षी सिन्हा ने आज अपने सोशल मीडिया पे अपनी शादी की वीडियो शेयर की, जिसमें हम देख सकते हैं कि कैसे सोनाक्षी के दोस्तों ने जहीर को जीजू कहके चिढ़ाया, तो वही शत्रु जी ने अपना आइकॉनिक खामोश वाला डायलॉग रिक्रिएट किया और बेटी सोनाक्षी की शादी के दौरान वो इमोशनल भी हो गए थे। इस खान को पर्सनली अपनी शादी का इन्विटेशन देने आए अनंत अंबानी। अनंत अंबानी आज सुबह स्पॉट किए गए थे सलमान खान के घर के बाहर एंड सूत्रों की माने तो वो अगले महीने होने वाली अपनी शादी का इनविटेशन देने आए थे। क्या संजय लीला भंसाली ने स्टार्ट कर दी हीरा मंडी 2 की प्रेप? रिसेंटली हीरा मंडी के प्रोडक्शन डिजाइनर शुभ्राता चक्रवर्ती ने पिंक विला को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने बताया कि फिलहाल हीरा मंडी 2 पर काम स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने ये एक्साइटिंग खबर शेयर की कि वो अब संजय लीला भंसाली के साथ दूसरे प्रोजेक्ट यानी लव एंड वॉर पर काम कर रहे हैं। क्या जानवी कपूर की ये मूवी हुई शेल्फ? बॉलीवुड हंगामा के लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्सेल एंटरटेनमेंट की मच एंटिसिपेटेड ड्रीम प्रोजेक्ट करना शेल्फ हो चुकी है फिलहाल। आपको बता दें कि इस फिल्म की कास्ट के लिए जानवी कपूर, सूर्या, अली फजल और विजय वर्मा फाइनल हुए थे। ये तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस आज एंजॉय कर रही है एक डे आउट। तापसी पन्नू और कृति सैनन की ये पिक फिलहाल सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही है, जिसमें हम देख सकते हैं कि ये दोनों बाहर घूमने आए हैं। ये देख सभी कमेंट्स में इन्हें न्यू BFFs इन टाउन कह रहे हैं। वाशु बगनानी की मदद करने पहुंचे ये एक्टर्स। दो दिन पहले ही खबर आई थी कि बड़े मियां छोटे मियां की फ्लॉप के बाद वाशु बगनानी को अपनी ऑफिस बेचनी पड़ी और आज उन्होंने ANI के इंटरव्यू में रिवील किया कि अक्षय कुमार, सनी देओल और सुनील शेट्टी ने तुरंत उन्हें फोन करके उनका हाल पूछा और उनकी मदद करने के लिए भी स्टेप अप हुए। KBC का नया प्रोमो हुआ रिलीज। आज मेकर्स ने एक इमोशनल प्रोमो रिलीज किया, जिसमें कई सोसाइटल टैबूज को ब्रेक करते हुए अलग अलग लोगों की कहानियां दिखाई गई और इसमें जुड़े अमिताभ बच्चन भी, जिन्होंने अनाउंस किया कि KBC फिर एक बार लौटने वाला है हमारे TV स्क्रीन्स पर। कल की 2898 एडी बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस। मच अवेटेड फिल्म कल की 2898 एडी को अपनी रिलीज के बाद ऑडियंस से काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आज फर्स्ट डे इंडिया में अभी तक 44 करोड़ की कलेक्शन हुई है और एनालिस्ट अंदाजा लगा रहे हैं कि रात तक सारे नंबर्स मिलाकर फिल्म वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट 100 करोड़ के मार्क को टच कर लेगी। शाहरुख की वजह से थक जाती थी ये एक्ट्रेस सेट पर। फरीदा जलाल जी ने रिसेंटली जोन को इंटरव्यू दिया, जिसमें शाहरुख की बात करते हुए उन्होंने कहा कि डुप्लीकेट की फिल्मिंग के टाइम महेश भट्ट शाहरुख की वजह से स्ट्रेस हो जाते थे, क्योंकि वो हर एक सीन को 4-5 अलग अलग तरीकों से करना चाहते थे और शाहरुख के इस आदत के चलते फरीदा जी भी काफी थक जाती थी। कल की 2898 एडी में कैमियो किया इन दो डायरेक्टर्स ने। कल की 2898 एडी में जो एक्टर्स कैमियो करने वाले थे उनकी डिटेल्स तो बहुत पहले रिलीज हुई, लेकिन आज फिल्म की रिलीज के बाद दो ऐसे किरदार रिवील हुए जिन्हें ऑडियंस ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपको बता दें कि कल की 2898 एडी में डायरेक्टर्स राम गोपाल वर्मा और राजामौली ने कैमियो दिया है और दोनों ही काफी मासी एंड फनी अंदाज में नजर आए हैं।
सिकंदर की सेट से रिलीज हुई नई अपडेट्स। प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला की वाइफ वर्धा नाडियाडवाला ने आज सिकंदर की सेट से कुछ पिक्चर्स शेयर की और ऑडियंस को इन्फॉर्म किया कि आज इस मच एंटिसिपेटेड फिल्म का मुहूर्त शॉट लिया गया। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज और अपडेट सबसे पहले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।